आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और बनाना है इसे बहुत ही आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो ये मैंने लिए हैं 2 कप पोहा, इसे चूड़ा, चिवड़ा और बीटन राइस के नाम से भी हम जानते हैं, ये सभी के घर में इजली रहते ही हैं। मैंने ये पोहा इसी कप से नाप कर लिए हैं 2 कप। एक बड़े प्याज को बारीक काट कर लिए हैं, जिस कप से मैंने पोहा नाप कर लिए हैं उसी कप से ये भी आधा कप लिए हैं पीनट्स यानी मूँगफली। और ये राई का दाना है 1 बड़े चम्मच। थोड़ा सा मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिए हैं, हरी मिर्च आप अपने पसंद से भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया काट कर लिए हैं। नमक 1 छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार लेंगे। और 1 छोटी चम्मच चीनी लिए हैं और 2 बड़े चम्मच तेल यूज करेंगे इसमें। तो अब हम सबसे पहले चूरा में पानी डालेंगे। तो जिस कप कटोरी से आप चूरा ले रहे हैं उसी कप कटोरी से आप 1/4 पानी लेंगे, यानी मैंने 2 कप चूरा लिए हैं तो 1/2 कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इन्हें 1 चम्मच की सहायता से इन्हें इस तरह से अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इनमें डाल लेते हैं ये नमक और चीनी और इन्हें भी डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इन्हें साइड में रखते हैं और चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके गैस पर एक पैन रख लिए हैं। अब इनमें डाल लेते हैं ये तेल, इस तरह से चारों तरफ फैला लेते हैं तेल को और तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल लिए हैं मूंगफली और मूंगफली को इस तरह से चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और आपके पास पहले से ही रोस्टेड मूंगफली है तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए अब ये हो चुके हैं, इन्हें बॉल में निकाल लेते हैं वापस से और इस तरह के छनोटे से निकालेंगे ताकि तेल पैन में ही रह जाए। तो पैन में तेल है ही, यदि आपको कम लगे तो 1 चम्मच डाल भी सकते हैं। और तो इस गर्म तेल में डाल लेते हैं राई के दाने और एक बार इस तरह से चला देते हैं और राई के दाने तरकने लगेंगे तो उछटते हैं। तो हम ढक देते हैं इन्हें और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि राई के दाने जले भी ना। तो अब ये हो चुके हैं, अब इसमें डाल लेते हैं हरी मिर्च। और हरी मिर्च भी डालते समय उछट के बाहर आ जाती है तो इसे भी ढक दीजिएगा। तो उछट के बाहर अपने शरीर पर नहीं पड़ेगी। तो अब ये भी हो चुकी है, अब हम इसमें डाल लेते हैं प्याज और प्याज को भी चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। और मैं ये रेसिपी में प्याज डाल रही हूँ। यदि आप प्याज नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं। और इसमें आप करी पत्ता और अदरक जरूर डालिएगा, आज मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाली। तो अब ये प्याज भून चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे। तो अब इनमें डाल लेते हैं जो हम हल्दी पाउडर रखे हैं वो डाल लेते हैं इनमें और गैस का फ्लेम इस वक्त लो ही रखिएगा। अब इनमें डालते हैं चूरा यानी पोहा जो हम पानी डालकर रखे हैं। तो देखिए ये खिला खिला है, एक बार मैंने हाथ से इस तरह से चला लिए थे। अब ये पैन में डाल लेते हैं, गैस का फ्लेम लो ही है और इन्हें इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेते हैं सारे चीजों को। तो देखिए मैंने मिला लिए हैं और कितना अच्छा कलर आ गया है इनका। अब हम इन्हें 1/2 अथवा 1 मिनट ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से सारे चीजों का फ्लेवर एक आपस में मिल जाए। तो 1/2 मिनट के बाद मैंने खोल लिए हैं ढक्कन। अब इसमें हम डाल लेंगे ये मूंगफली जो हम भून कर रखे हैं, वो डालकर मिला लेते हैं और हरा धनिया भी इसमें मिला लेते हैं। थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं, नाश्ता तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 नींबू का रस निचोड़ कर रख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं। और नींबू डालते समय नींबू का बीज निकाल कर ही डालिएगा।
तो अब हम कर लेते हैं नाश्ता को सर्व। और देखिए कितना खिला खिला पोहा बना है। ये न गीला है और न सख्त है, ये सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी। तो गर्मा गर्म एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, झटपट से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। और बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही। तो अब आपको कम समय में, कम मेहनत में कोई अच्छी चीज़ खानी हो तो आप ये बनाकर सर्व कर सकते हैं। सुबह शाम के नाश्ते या बच्चे के टिफिन में दे सकते हैं, या घर में कोई गेस्ट आ गए और समय नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप झटपट से बनाकर ये सर्व कर सकते हैं। और घर में मूंगफली नहीं है तो इसके बिना भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देते हैं और रेड चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा डाल देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। और ये सेब है, ये भी डालकर थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। आप ये नाश्ता बनाकर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। उसी से आपको मिलेगी मेरी डेली अपडेट। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।